के गलियों से सर झुकाकर गुजरने लगा हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि साझा संस्कृति का केंद्र भी है। तभी तो कई दिग्गज शायरों ने दिल्ली की तहजीबों को, यहाँ की संस्कृति को बखूबी तरीके से शायरी में भी पिरोया है। और ये शेर भी कुछ इसी तरह से दिल्ली की जुबानी क्या कहती है दिल्ली, वही बात बता भी रहा है। खैर, पिछले एपिसोड में हम बता दें कि हमने आपको नई दिल्ली से परिचय कराया था और इस एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का दक्षिणी इलाका। सबसे पहली बात तो काबिले गौर ये भी होती है कि जब भी किसी जगह के या किसी शहर के दक्षिण इलाके की बात होती है तो सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया की बात होती है, सबसे ज़्यादा विकास की बात होती है। पॉश एरिया होता है, महंगे घर होते हैं, बड़े बड़े लोग दक्षिण इलाके में रहते हैं। चाहे वो दिल्ली का दक्षिण इलाका हो या किसी भी देश के कोने में आप चले जाएं तो दक्षिण इलाके की बात सबसे ज़्यादा की जाती है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई में विकास का नारा दक्षिण दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है तो आखिर क्यों दिया जा रहा है। तो आइए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। देखन बजरिया खाजा निजाम से मोरी लड़ गई नजरिया, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के, मोसे नैना मिला के। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। जी हाँ, अमीर खुसरो के इसी सूफी संगीत का जब जिक्र होता है तो सीधे हजरत निजामुद्दीन की इसी दरगाह पर पहुंच जाते हैं लोग। और हमने सोचा कि सियासत की बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जब हम दक्षिण दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं और दिल्ली की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो इसी सूफी संगीत से क्यों ना आज के इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। अमीर खुसरो सबसे बड़े शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन के, और इसीलिए छाप तिलक का जो धुन है जो कानों में रस घोल देता है उसकी छाप यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाई देती है। निजामी जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने पैगाम लेके हसरत लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम दरगाह से बात करें तो इस बार सियासत में क्या हसरत? सियासत में यह है, देखिए बहुत अमाम यहाँ की परेशान हो चुकी, हिंदुस्तान की अमाम, जो भी हो चैन अमन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और जो बीजेपी की हुकूमत, एक तो परेशानी इतनी हो गई है, हर आदमी परेशान है इसके अंदर, NRC के मसले में, इसमें जो भी हो हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन होना चाहिए। जी दिल्ली में क्या लगा? दिल्ली के अंदर भी ये बहुत परेशानी हुई हुई है, जो भी हो अमन होना चाहिए यहाँ के अंदर, सारे सब लोग मिल बांट के रहें, मोहब्बत से रहें, वो बहुत ज़रूरी है। जी, और इस बार क्या लग रहा है, किसमें टक्कर है, कांटे की टक्कर है या कोई? कांटे की क्या है, लगभग अगर हो तो यहाँ पे आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। दिल्ली में इस बार चुनाव की हवा किस तरफ जाती हुई दिख रही है? केजरीवाल। वजह? केजरीवाल ने काम करवाया इस वजह से। आपके लिए कुछ 5 सालों में बदला? बहुत कुछ हमारे लिए, पानी बिजली सब फ्री करा है, आज तक किसी सरकार ने फ्री नहीं कराई है। आपको लगता है फ्री की चीज़ें जो हैं उससे जनता को अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं, एक सपोर्ट सी मिल जाती है बस थोड़ी, और कुछ नहीं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से निकलकर अब हम रुक करते हैं मेहरौली का, कुछ ऐतिहासिक स्थलों की तरफ भी देखेंगे और रुक करेंगे इस बात का भी कि आखिर दिल्ली का वो एरिया राजनीतिक सरगर्मियों पर क्या राय रख रहा है। आइए चलते हैं। दिल्ली के मेहरौली इलाके में जब हम आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक मंदिर दुर्गा भवन में हम भी पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इस इलाके में जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रंग की और दिल्ली की संस्कृति की तो शायद मंदिर में भी एक बार जाकर देखें कि किस तरह से यहाँ पर नज़ारा है। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर दिखाई ये भी दे रही है कि बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं मंदिर के प्रांगण में, और कुछ चर्चा यहाँ पर ज़रूर चल रही है। हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा आखिर क्या है और क्या इस चर्चा में राजनीति का भी कोई रंग है जो दिखने वाला है, ये ज़रूर जानने की हम कोशिश करते हैं।
चर्चा क्या चल रही है? कुछ राजनीतिक चर्चा है, आम चर्चा? राजनीतिक चर्चा चल रही है। यहाँ पे हमारी सारी जितने लोग बैठे हुए हैं सारी सभी राजनीति की बात कर रहे हैं कि किसको क्या देनी है। वोट पे डिस्कस चल रही है सबकी। किसको वोट देना है आप लोग डिसाइड कर? देखो हाँ, हम डिसाइड करें, डिसाइड हमें करना है जी, क्योंकि वोट हमने देनी है। तो बड़ी वोट तो हम मोदी को देंगे और छोटी वोट अब हम डिस्कस करके किसको देनी, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सब लोग। हम ये बड़ी और छोटी क्या मतलब किस? बड़ी वोट का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की जो वोट होती है वो मोदी साहब को देंगे, क्योंकि वो हमारे सबके फेवरेट है। जो भी उन्होंने काम किया है देश के लिए, ईमानदारी से काम किया है। तो ये जो आप डिसाइड करते हैं इसमें क्या मुद्दे तय करते हैं आपकी? कौन सा मुद्दे भी तय करते हैं, जैसे शिक्षा के बारे में, स्कूल, वो इनके प्रोग्राम, जैसे इनके ये जो हॉस्पिटल बनाए इनके बारे में सारे मुद्दे करते हैं जो। सारे मुद्दे आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या? मेरा मानना तो यह है जो भी पार्टियां आती हैं सब एक छोटी, जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, उसको मेन वोटर बैंक माना गया है, उसी को आते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं, मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता। महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा अहम है इस चुनाव। मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी, क्योंकि उन्होंने इस टाइम जो हिंदू समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं वो मोदी जी ही आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो फिर थोड़ी देरों के बाद में जो पछताना है, इससे अच्छा है कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। पिछले 5 साल से यही देख रहे हैं कि विकास होगा दिल्ली में होगा, पर कुछ नहीं हुआ। जो काम हुआ वो आखिरी 6 महीने में सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंजेस हुए और कुछ भी नहीं हुए कि आज वो कर दिया वाईफाई कर दिया। वाईफाई कहाँ है? कैमरे लगे तो कहाँ लगे? कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल है तो उसमें जो है कुछ है ही नहीं, सब इसलिए सब बेकार हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। हम लोग देंगे सेंटर और उसमें सिर्फ बीजेपी को वोट देना चाहेंगे और किसी को नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वहीं से होगा। आपको क्या लगता है कि जो फ्रीबीज दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बार फ्री घोषणा की गई है, उसका कुछ इम्पैक्ट वोटरों पर पड़ रहा है? मैडम फ्री का जो मर्जी बांटते रहो, काम करना जरूरी है। देखो गरीब तबके को तो सब कुछ हो रहा है, पर मिडिल क्लास का क्या हो रहा है? हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं ना। हमारा बिजली का बिल उल्टा बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमारे यूनिट ज़्यादा, हम लोग एसी यूज़ करते हैं, उनके यूनिट कम है, उनको फ्री मिल रहा है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास तो उल्टा दब ही रहा है और कुछ भी नहीं है। जब स्टार्ट होता है तब और जब एंड होता है तब, उसके मिडिल पॉइंट में क्या फ्रीबीज आते हैं? कुछ भी नहीं आता। तो ये तो एक तरीके से बेवकूफ बनाना हो रहा है ना, वो तो सबके सामने है ना। एक सेकंड जी। देखिए फ्रीबीज जो हैं वो भी पब्लिक की कॉस्ट पे हैं, आफ्टर ऑल समबडी इज पेइंग फॉर इट। इट इज़ नॉट कि वो अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से हमें फ्री दे रहे हैं, तो हम जो टैक्स पेयर्स हैं टैक्स देते हैं उसी में से फ्री बांटा जा रहा है। तो एक जगलरी है एक तरह से, प्रोपोगंडा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा है। फ्री भी से कोई इकॉनमी नहीं चलती है, इकॉनमी चलानी है तो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं उन पे चलेगी, ये ढलावाबाजी है सर। तो दिल्ली सरकार के लिए आपका क्या मतलब, जो पार्टियां इस तरह के वादे कर रही हैं उनको आप क्या जवाब? अल्सो बी ऑनेस्ट, जो ईमानदारी का वो लेके आए थे उसी पे ईमानदार रहो ना। फुल पेज एड, जितना सारा 500 करोड़ का पब्लिसिटी का बजट, ये फ्री वो फ्री वे फ्री, लेडीज़ के लिए फ्री, फलाने के लिए फ्री, स्टूडेंट्स के लिए फ्री, या सीनियर सिटीजन के लिए फ्री, तो फ्री पे कौन सी इकॉनमी चलती है? कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो फ्री पे चल सकता है? ये फ्री चीज़ें दी तो हैं, बट देश का विकास जो मोदी जी कर रहे हैं वो केजरीवाल जी नहीं कर रहे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, क्योंकि दिल्ली बीजेपी कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं दिखा रही, जो इसलिए केजरीवाल जी की हवा भी है और वो जीतने का उनके चांसेस भी हैं ज़्यादा। एक बात है, साउथ दिल्ली के बारे में माना जाता है सबसे पॉश एरिया है, यहाँ सब ज़्यादातर अच्छे मिडिल क्लास लोग या अमीर लोग रहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस एरिया का, साउथ दिल्ली का कुछ विकास हुआ है? कोई खास विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो साउथ दिल्ली है ज़्यादातर NDMC एरिया है, और NDMC एरिया में जो काम माननीय शीला दीक्षित पहले कर गई है वो कार्य प्रणाली कार्य क्षेत्र है ही नहीं, ना मेट्रो का विकास हो रहा है, ना हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, सिर्फ बातें हैं। वही गाना याद आता है, कसम वादे प्यार वफा सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। जो काम माननीय शीला दीक्षित जी के टाइम में हुआ वो सारे काम रुके हुए हैं, आप जनता की आंखों में धूल झोंक रखा है। आप क्या करती हैं? I am doing business. बिजनेस करती हैं, तो बिजनेस करती हैं और महिला भी हैं, आप साथ में लड़की भी हैं, तो दोनों चीज़ों में आपको कुछ लग रहा है आपकी लाइफ कुछ 5 साल में बदली है? नहीं अभी तक तो नहीं लगा, कुछ नहीं बदला, सब सेम है। मुझे लग भी रहा है कुछ बदलेगा जब तक कुछ स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी जीतेगी। किस तरह के स्टेप्स? कुछ सब्सिडीज एंड ऑल उसके लिए। तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही होगा कि ग्रोथ होनी चाहिए,
सबकी बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए और इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। आपका क्या मानना? हाँ जी, मैं मैडम जी, मैं दिल्ली में केजरीवाल जी को मानता हूँ। उसने बहुत काम करे है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे विकास यहाँ छतरपुर में बहुत रोड बना दिए, हर चीज़ कर दिया है पानी के लिए। अब 24 घंटे के लिए पानी कर देंगे अगर दिल्ली में आगे द्वारा। अच्छा, आपको उनके वादों पे भरोसा? भरोसा जी, पूरा भरोसा जी। अच्छा, तो बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने? उन्हें स्कूल में हर चीज़ की सुविधा कर दी, पढ़ाई की, मैडम की, हर चीज़ की, ट्यूशन भी करवाना है जरूरी नहीं है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर मिक्स रिएक्शंस हैं। और दिलचस्प बात, यहाँ पर जो चर्चा रही, जो चौपाल रही, उसमें ये भी दिखाई दी कि कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके मत बिल्कुल अलग हैं, जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो पार्टियाँ इस तरह के नारे दे रही हैं कि 3 महीने में कुछ हुआ या 6 महीने में कुछ हुआ, या अचीवमेंट्स की जो लिस्ट दी जा रही है, वो सब जांची परखी हुई है जनता की नज़र में। और जनता पूरी तरह से इस बात को लेकर सजग है कि क्या इस चुनाव में वो करने वाली है और उसका वोट जो है वो आखिर किस लोक लुभावन आधार पर पड़ने वाला है। तो चुनावी चर्चा करते करते अब हम पहुंच गए हैं मेहरौली में ही, कुतुब मीनार में, उस ऐतिहासिक स्थल पर जहाँ पर कि रोज़ाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं। और कुतुब मीनार, जिसको कि एक तरीके से एक अजूबा भी अब तक माना जाता था, वो देखने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसी इलाके में हम पहुँच गए हैं। आप कुतुब मीनार देख रहे हैं? हाँ जी मैम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 25 साल से। हर साल चुनाव आते हैं, आपने तो 25 साल में अब तक काफ़ी चुनाव देख लिए, इन 5 सालों में कुछ लगता है ज़िंदगी बदली है इस चुनाव से पहले? बिल्कुल, इस समय क्या है, चुनाव बिल्कुल डिजिटल होते जा रहे हैं। कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोगों की बातों में आते थे, आज लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, वो समझ लोगों में आ गई है। तो आज लोग जो है बहकावे में नहीं आते, देख रहे हैं जो काम अच्छा करता है वही बिकता है और उसी का चल रहा है। हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 5 सालों में ऐसा कुछ एक इंसान की, दिल्लीवासी की लाइफ में बदला है जिसके आधार पर इस चुनाव में वोट डाला? कुछ नहीं था, वैसा का वैसा है, कुछ बदला नहीं। क्या बदला है? और वो बदलेगा भी नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हालात वही, लोग अपने वादे कर लेंगे, वादे करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनकी लाइफ में तो कोई बदलाव आया नहीं है। 5 साल में आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया? मैम, मैं पहले मुनीरका रहता था, वहाँ पे लाइट कम जाती थी। अभी मैं किशनगढ़ रह रहा हूँ, गौशाला के पास, यहाँ पे लाइट ज़्यादा जा रही है। अच्छा, बिजली की समस्या? हाँ जी मैम। तो बदलाव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही हुआ आपकी लाइफ? काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लग रहा है बदलाव हुआ है। जैसे कुतुब मीनार अगर यहाँ आए हैं तो जैसे टिकट काउंटर है, भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें हुई है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो साफ़ सुथरा है वो सब चीज़ें, सफाई हुई है, सफाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है, किस तरफ लग रहा है? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो टक्कर होगा वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। टक्कर है? बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस बीच से गायब हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, कांग्रेस गायब हो रही है, इसकी क्या वजह लग रही है? मुझे लगता है कि लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है, सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है। आपको लगता है शीला दीक्षित का ना होना भी एक वजह है? ये भी वजह है, कारण कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था दिल्ली के लिए स्पेशली। प्रैक्टिकली लग रहा है कि केजरीवाल होगा, बट नहीं होना चाहिए। क्यों लग रहा है और क्यों नहीं? आई बीन स्टैब्ड टू डेज बैक एंड मेरे पूरे एरिया में एक कैमरा नहीं, जो वो कहता है कि मैंने 11 कैमरे लगवाए हैं। मेरे को परसों चाकू लगा सुबह 4 बजे के टाइम, लोगों से वहाँ छीनने की कोशिश करी और जब पुलिस आई देखा पूरे एरिया में एक कैमरा नहीं है। जब फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए यहाँ पे, जो मदन मोहन मालवीय अस्पताल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे उनकी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब थी। तो गवर्नमेंट का जो रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो पास का जो प्राइवेट होगा उसमें फ्री में होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं, लॉ नहीं है, आपको जाना पड़ेगा एम्स। तो मैं वहाँ गया हूँ, फिर वहाँ पर जाकर 3 घंटे अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कराए, तो मेरी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टर ने हाथ में लगाया था कि अल्ट्रासाउंड होगा तो हम हाथ में लगाएंगे। दोनों ही वादे आपको लगता है खोखले? दिल्ली चुनाव पर कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो फ्री सामान मिला है उससे उनकी लाइफ पूरी बदल गई है। कुछ लोगों का मानना है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका क्या? नहीं, जो ज़रूरतमंद होनी चाहिए। कम से कम अब जैसे पिछले 5 मंथ्स के मेरे ही रूम का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है नहीं आ रहा है, तो इतने सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम फील कर रहा हूँ कि जिसका
मतलब गवर्नमेंट को हम टैक्स देते तो फर्स्ट टाइम हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ सुनते थे ये हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, इनडायरेक्ट तरीके से होता था, गवर्नमेंट ने दिया हमने रोड बनाया ये बनाया, लेकिन ये डायरेक्ट हमने फील किया तो अच्छी बात है, होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो हवा हवाई होती हैं, पेपर में होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी की जेब से ही पैसा जा रहा है? नहीं, आम आदमी की जेब से जा रहा है, हम लोग जो दे रहे हैं गवर्नमेंट की अर्निंग क्या है, सबसे बड़ा उनका सोर्स तो टैक्स ही है ना, तो आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है उसी का फिर वो हमें पे बैक कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं गवर्नमेंट हमें पे बैक कर रही है, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप इस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल खुश। तो आपका जब वोट पड़ेगा तो ये दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जब भी हम किसी ऐतिहासिक या पर्यटक स्थल के आसपास पहुंचते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स होते हैं या ढाबे होते हैं जहां पर कि पर्यटक आते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि छुट्टी वाले दिन या तो वो आते हैं या फिर दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए भी यहां पर व्यवस्था की जाती है खाने पीने की। यहां ज़रूर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में किस पार्टी का जोर लग रहा है। हाँ, हमारे लिए तो बीजेपी ने अच्छा किया है, बीजेपी हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी? हाँ, वो भी ठीक है अपनी जगह, बट हम अपने बीजेपी के साथ ही हैं। आप बीजेपी के साथ हैं? आप? यहाँ मैडम तीनों का ही जोर है जी, बराबर, कोई भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। तीनों मतलब कांग्रेस? कांग्रेस भी, बीजेपी भी और आम पार्टी भी, कोई भी। तीनों ने कैसे काम किया? कांग्रेस तो कहीं किसी पोस्ट पे है नहीं। नहीं नहीं, आप जो लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का अच्छा है, मेहनती, मतलब सारे इसको चाहते भी हैं, बस तीनों ही ठीक ठाक हैं। यहाँ पर नरेश जी ने अच्छा काम करा हुआ है, जो कुसुम लड़की है वो पहले यहाँ इलेक्ट जीत चुकी है निगम पार्षद, तो उसने भी अच्छा काम करा हुआ है पहले बहुत, तो कोई भी आ सकता है इसमें, किसी की उम्र नहीं। खास मुद्दा इस बार चुनाव? नहीं, अब तो हम तो मैं इसमें नहीं लेता मिनट जी। सफाई होती है, बढ़िया हो रही है सफाई, तो जैसे कह रहे भैया बीजेपी साफ सफाई तो वही करते हैं। आपके लिए सफाई आपको लगता है अच्छा? सफाई, हम टूरिस्ट में बैठे ना, हम तो हमें सफाई चाहिए पहले। दिल्ली का चित्रण करने में या दिल्ली के बारे में अपने विचार रखने से शायद ही कभी कोई पीछे रहा हो। गुलजार ने भी अपनी कविता देयर इज नथिंग न्यू इन दिल्ली में बखूबी तरीके से राजनेताओं और दिल्ली की राजनीति का चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में दिल्ली में कुछ नहीं बदला सिवाय इसके कि हर 5 साल में एक नई सरकार बन जाती है और पुराने 5 साल पुराने बातों को या मुद्दों को नई योजनाओं में बदल देती है। जी हाँ, इस चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि वादे वही हैं, इरादे वही हैं, सिर्फ बातें कुछ नई हो रही हैं और अमली जामा कुछ नया उन्हीं मुद्दों को पहनाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में साउथ दिल्ली से फिलहाल इतना ही। अगली बार दिल्ली के एक और इलाके में आपको चुनावी चकल्लस सुनाने एक बार फिर से लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।